क्या हिमाचल सरकार प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को गंभीरता से नहीं ले रही, या फिर जयराम सरकार खुद कोई फैसला लेने में सक्षम नहीं? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों पर जयराम सरकार ने नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया है, जो कि नाम मात्र मालूम पड़ता है, क्योंकि हिमाचल का रहन सहन कुछ अलग है, तो यहाँ नाइट कर्फ्यू एकमात्र खानापूर्ति मालूम पड़ती है, जो बाकी राज्यों को देखकर कर दी गई। हालांकि कुछ एक चीजों पर सख्त निर्णय सरकार ने जरूर लिए हैं, लेकिन जो निर्णय प्राथमिकता के तौर पर होने चाहिए थे, उनसे मुख्यमंत्री ने साफ किनारा कर दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने साफ किया कि हिमाचल में पर्यटकों को आने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि इससे आर्थिक नुकसान होगा। इसको रोकना उचित नहीं है। हम पिछले दो सालों से टूरिस्ट को रोक करके कोविड के कारण रोकते रहेंगे तो इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा उसके कारण। ऐसे में सावधानी एकमात्र रास्ता है। जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो भी सावधानी करें। होटलियर्स के साथ हमने विशेष तौर से उनको इंस्ट्रक्शन दी है कि वो कोविड के नियमों का पालन करने के लिए सुनिश्चित करें अपनी ओर से भी, और जो टूरिस्ट उनके पास आ रहे हैं ठहरने के लिए आ रहे हैं उनके माध्यम से। आज हमारे पास 41 ऑक्सीजन प्लांट हिमाचल प्रदेश में हुए। नया वेरिएंट हमारे सामने है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसका संक्रमण बहुत तेज है, फास्ट है, तो ऐसी सूरत में हमारी तैयारी उस तरह से होनी चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि अगर मामले बढ़ते हैं तो बंदिशें बढ़ाई जाएंगी, लेकिन सवाल ये है कि जब प्रदेश में बाहरी राज्यों के पर्यटकों को मुख्यमंत्री खुद अनुमति दे रहे हैं, तो आगामी दिनों में मामले बढ़ना लाजमी है। जब हालात खराब होंगे तो सरकार जरूर बॉर्डर सील करेगी, लेकिन अभी के लिए सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। बंदिशों के नाम पर जो निर्णय सबसे पहले होना चाहिए था, उसके बजाय सरकार ने खानापूर्ति करते हुए नाइट कर्फ्यू को तरजीह दी है। यहाँ तक कि सरकार के इस फैसले की सोशल मीडिया पर भी खूब आलोचना हो रही है। दूसरी ओर सरकार ने जो सिनेमा हॉल, जिम वगैरह को लेकर पाबंदियां लगाई है, वे भी खासे निराश दिख रहे हैं। उनका कहना है कि जब प्रदेश में पर्यटकों पर पाबंदी नहीं लगाई गई, तो हमारे साथ क्यों नाइंसाफी हो रही है। खैर जो भी हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री बेशक पूरी तैयारी और आर्थिक नुकसान का हवाला दे ले, लेकिन आखिर में सरकार के फैसलों में अनुभव की भारी कमी नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार फर्स्ट।